नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। सिलीगुड़ी नगर निगम में सेफ होम बनाने के लिए इंदौर स्टेडियम को चयनित किया गया है और वहां पर सेफ होम पिछले कई दिनों से बन रहा था, कामकाज शुरू हो गया था और आज जाके वो संपूर्ण रूप से तैयार हो गया है। और वहां पर जो जानकारी मिल रही है, तस्वीर आप देख सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है कि कुछ इलाकों से वहाँ पर जो कोरोना संक्रमित नहीं है उनमें कुछ हद तक देखे जा रहे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं उनको, लेकिन इस सेफ होम में रखा जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के माध्यम से भी उसको कवर किया गया है। अगर बिल्डिंग के अगर हम इंदौर स्टेडियम के ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर हिस्से में भी आप देख सकते हैं वहाँ पर भी कपड़े से उसको ढक दिया गया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कोरोना के अस्पताल पहले सिलीगुड़ी शहर में दो थे, दिशान साड़ी अस्पताल था और उसके बाद उसको दिशान को भी कोरोना हॉस्पिटल के घोषित कर दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। चैंग अस्पताल जो है वो भी राज्य सरकार के तरफ से किया गया है कोरोना हॉस्पिटल, दो है। लेकिन इसी के अलावा भी जिन लोगों को सरकारी में अगर नहीं दिखाना चाहते उनके लिए, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की भी सुविधा है, व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी सस्पेक्टेड पाए जाएंगे उनको लेकिन इस सेफ होम में रखा जाएगा और जानकारी के अनुसार 70 लोगों की कैपेसिटी बताई जा रही है कि इस सेफ होम में वो रह सकेंगे। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। और अगर इससे अगर कुछ हटके हम बात करें तो स्थानीय लोग भी कुछ दिन पहले वहाँ पर चाह रहे थे कि यहाँ पर ये सेफ होम जो है वो ना बने, लेकिन इसके बाद प्रशासन के द्वारा उनको समझाया गया और उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य हुई और आज से सेफ होम में रहने के लिए सब कुछ काम जो है वो शुरू हो चुका है। और आज ये देख रहे हैं सिलीगुड़ी शहर की जो इंदौर स्टेडियम है वहाँ पर लगभग 70 लोगों की रहने के लिए बेड जो है बने हुए हैं सेफ होम की। रहे थे कि इंदौर स्टेडियम में सेफ होम बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और कुछ संलग्न इलाकों से यहां पर जो सस्पेक्टेड पेशेंट है वो यहां पर रहना भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि कोरोना काल है, दिनों दिन आंकड़े जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आ रहे हैं। आप सभी से यही अनुरोध है, बेवजह बेकाम के घर से बाहर मत निकलिएगा। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान।